चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल। इससे पहले हम लोग उन्होंने प्रश्नावली 12.1 पढ़ा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए पहला सवाल कर रहा है, एक पार का चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर है। इस पार का कितना क्षेत्रफल है? चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर, करते हैं। हम लोग ने एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5 और ए डी 8 और सी कौन समकोण है। हम लोग लिखेंगे हल में समकोण त्रिभुज बी सी डी में। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का अलग क्षेत्रफल निकाल के दोनों सबको एक साथ जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ए बी सी डी में तो क्या होगा, हमको पहले बुझाएंगे ये कर्ण निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो बी डी बराबर होगा रूट अंडर बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर। तो बी डी बराबर होगा 12 का होल स्क्वायर जोड़ 5 का होल स्क्वायर। लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर तो 144, 5 का 25, कितना होगा रूट अंडर 169 जोड़ने पर, और इसको रूट को तोड़ेंगे तो ये होगा 13, यानी कि 13 मीटर। ये हमारा बुझा कितना निकला, बी डी 13 मीटर। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले इसका। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो 1/2 आधार 12 है इसका, इसमें कर्ण का उपयोग हम नहीं करेंगे, और ऊंचाई 5 है, कर दूँ 6×5=30, 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी की भुजाएँ, ए बराबर 8 लिखेंगे, बी बराबर 9 और सी बराबर ये 13। ये समकोण त्रिभुज नहीं है इसलिए हमको हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसीलिए लिखना पड़ा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप, इसको ऐस कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, तो 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2, सबको जुड़ेंगे 8, 17, 13, 30 बटा 2, काटेंगे इसको तो 15 मीटर होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये हीरोन सूत्र निकालेंगे, हीरोन सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, एस का मान देंगे 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और सी की जगह 15 माइनस 13, ये हो जाएगा 15, घटाएंगे 7, इसको घटाएंगे 6, इसको घटाएंगे 2, 15 सत्य, सॉरी इस गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने इसका 6 का होगा 2 गुने 3 इसका 2, तो 1 जोड़ा 3 और 1 जोड़ा 2, तो 3 गुने 2 रूट अंडर 35, तो ये हो जाएगा आपको 6 रूट 35। ठीक है, हम रूट को तोड़ेंगे रूट 35 को, तो 6 गुने रूट 35 को तोड़ेंगे तो ये होगा 5.91, गुना करके हमको पता पर्याप्त होगा 6×9=54, 6×5=35, 35.46 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे पूरे का निकालेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का जोड़ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो इसका निकला है बी सी डी का हमको 30 मीटर स्क्वायर, और ये निकला है 35.46, कुल जोड़ कितना होगा 65.46 मीटर स्क्वायर। आंसर मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 65.46, ये दशमलव के बाद क्या है 5 से अधिक है, एक अंक पीछे जोड़ देंगे, तो ये 5 मीटर स्क्वायर लगभग, लगभग में आंसर दिया हुआ है तो लगभग लिख देंगे। तो ये चतुर्भुज क्षेत्रफल निकल गया 65.5 मीटर स्क्वायर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सवाल पढ़ते हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और डी ए या ए डी 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 5 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर और ये ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पहले सवाल की तरह हम लोगों ने इसको पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेंगे, पहले अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
की भुजाएं, ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 और सी बराबर ये 5 लिखेंगे। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का बटा 2n का एस बराबर अर्थ प्रतिरोध अर्थ परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, ये टोटल हो जाएगा 4 3 7 5 12 12 बटा 2। इसको काटेंगे तो एस बराबर निकलेगा हमको 6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर हम सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सबका मान बैठा देंगे 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 5, ये 6 का 6 ही रहेगा, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, इस गुना करेंगे 1 होगा, सबका गुण कर निकालेंगे 2 गुने 3 और ये 3 गुने 2, एक का तो कोई मान ही नहीं, चलिए ये 1 2 और ये तो 2 गुने 3 निकल गया, अर्थात ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया त्रिभुज ए बी सी का। ए बी सी अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी ए सी डी का, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी की भुजाएं, ए बराबर 4 बी बराबर 5 सी बराबर 5, ए बराबर 4 बी बराबर 5 सी बराबर 5। तो हम लोग एस निकालेंगे यहाँ से त्रिभुज का अर्थ परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, 4 प्लस 5 प्लस 5 बटा 2, 5 5 10 4 14 14 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा 7, तो एस निकल गया 7। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र निकालेंगे, चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे भी हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ पे एस कीजिएगा 7, 7 माइनस 4 7 माइनस 5 7 माइनस 5, बी और सी के दोनों का बराबर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, इसमें से बचेगा हमको 3, इसमें से बचेगा 2, इसमें से बचेगा 2, एक ही जोड़ा निकलेगा तो निकाल देंगे तो 2 निकल जाएगा रूट 21 हो जाएगा 7 या। अब 2 गुने 21 का मान होता है 4.58, 21 का रूट करेंगे तो हमको 4.58 और कुछ निकलता है, हम 2 इंक निकालेंगे, दोनों का गुना करने पर हमको प्राप्त होगा 8 दुनी 16 5 दुनी 10 1 11 4 दुनी 8 1 9 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यहाँ देखते हैं तो यहाँ से हमको निकलेगा 2 एक जोड़ा और ये रूट 21 27, 2 गुने रूट 21 करेंगे 4.58 होता है, दोनों गुना करेंगे तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ ए सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का जोड़ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो एक का निकला है हमको 6, दूसरे का निकला है 9.16, दोनों को जोड़ देंगे निकल जाएगा 9.15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल की तरह ये 5 से अधिक है पीछे जोड़ेंगे, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 12.2 का 14 सवाल। कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 18 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हैं तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर रहा है, दोनों एक ही आधार पर है और दोनों का क्षेत्रफल भी एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ उसको हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमको उसका आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चतुर्भुज ए बी सी डी है और त्रिभुज ए बी सी ओ है, जो ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर, ये दोनों की इसकी भी और इसकी भी आधार हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी की भुजाएं, ए बराबर 26 बी बराबर 28 और सी बराबर 30। हम लोग क्या करेंगे इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे, एस निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 30 20 50 20 70 10 80 4 84 84 बटे 2 काटेंगे कितना होगा 42। और हम निकालेंगे कहेंगे हीरोन से त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, सबका मान बैठा देते हैं, ए का मान 26 है, बी का मान 28 है, सी का मान 30 है।
घटाएंगे तो ये 16 निकलेगा, मल्टीप्लाई करके चिन्ह देते हैं, इसको घटाएंगे तो 14, इसको घटाएंगे तो 12 निकलेगा। सबका गुणनखंड निकाल लेते हैं, 42 का होगा 2 × 3 × 7, 16 का हमको मालूम ही है 4 × 4 निकल जाएगा बाहर, 14 का होगा 2 × 7 और 12 का होगा 2 × 2 × 3, तो बाहर निकलेगा ये 1, ये 2, 1 2 निकल गया बाहर, 1 × 4 है, 4 को निकाल लीजिए, 3 और 7, 3 और 7 यहाँ पे भी है जोड़ा लग जाएगा, 3 3 का जोड़ा और 7 7 का जोड़ा, और 1 2 यहाँ पे है ये निकल जाएगा, 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24 को 14 से गुना करेंगे, लिख देते हैं 14 × 4 = 56, 14 × 28 = 5 = 33, 336 सेंटीमीटर है मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज इसका निकल गया क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे चतुर्भुज का, तो दिया हुआ है समांतर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, होता है आधार गुने संगत ऊंचाई, ये हमको संगत ऊंचाई निकालना है, ये क्षेत्रफल निकला है 336, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकला है 336। चलिए यहाँ पे लिखेंगे संगत ऊंचाई, इसको निकालेंगे तो ये उसके डिवाइड में चला जाएगा 336/आधार, तो 336/आधार कितना है, दोनों का 28 है, इसको करेंगे तो 28 × 56 ये 12 सेंटीमीटर होंगे, तो लिखेंगे उत्तर समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, हम लोग 12.52 का 5वां सवाल देखेंगे। कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि समचतुर्भुज की भुजा सभी बराबर होती है आपस में, और 2 विकर्ण होते हैं जो असमान होते हैं, जिसमें बड़ा विकर्ण दे दिया 48 मीटर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा हमने पहले लिख लिया थोड़ा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये चतुर्भुज हो गया जिसमें सभी भुजाएं 30 सेंटीमीटर है, और ये बड़ी भुजाएं BD बड़ी भुजाएं हैं, कितनी है, ये 48 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब से विभाजित करता है, ठीक है, ये थ्योरम है, ये लंब से विभाजित करता है, और जब ये विभाजित करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे O लिख देते हैं, तो ये BO बराबर ये हो जाएगा 48 का हो जाएगा 24 मीटर, ये हो गया 24 मीटर, ये भी हो गया 24 मीटर। तो चलिए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में क्या है, वक्र है, आधार है, लंब निकालना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय को लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, होता है लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण है ए बी और आधार है ये ओ बी, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है 30, आधार दिया हुआ है 24, आधार गुण निकालेंगे तो हो जाएगा 930 का होल स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576, इसको घटाएंगे तो ये होगा 324 और इसका 324 का वर्गमूल होता है 18, ये हो गया 18 मीटर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्योंकि ये लंबाई ऊंचाई निकल गया और ये आधार निकल गया, तो क्या 1/2 × आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार दिया हुआ कितना 24 और ऊंचाई निकला भी 18, काटेंगे 12 होगा, 12 × 18 180, 12 × 18 × 36 180 जोड़ेंगे, उसको गुना करने पर हो गया 216,
मीटर स्क्वायर, यानी कि एक चतुर्भुज का हमको मिल गया 216 मीटर स्क्वायर एक समकोण त्रिभुज, इसी तरह समान चार समकोण त्रिभुज है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चार गुने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, चार गुने 216, तो 216 को चार से गुना करेंगे कितना होगा, 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो प्रत्येक को यानी कि ये 18 गाय के चरने के लिए पर्याप्त है, कितने के लिए, 18 गाय का, तो लिखेंगे 18 गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत का क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के लिए, प्रत्येक गाय मतलब एक गाय, तो एक गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत के भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 864/18, इसको काटेंगे 48 मीटर होगा, यानी कि एक गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत के भाग का क्षेत्रफल 48 मीटर होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 12.2 का छठा सवाल। सवाल कह रहा है दो विभिन्न रंगों के टुकड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति इतना जैसे ही आकृति है, प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, छाते में प्रयुक्त रंग का कितना कपड़ा लगा है। यानी कि यह छाता है जो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े से बना हुआ है, जिसका एक टुकड़े का भाग जो है भुजा यानी कि 50 50 और 20 है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे छाता में प्रयुक्त एक त्रिभुजाकार टुकड़े की भुजाएं क्या होगा, ए बराबर 50, बी बराबर 50 और सी बराबर भी 50 होगा। तो हम लोग एस निकालेंगे, एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, जिसको हम त्रिभुज का अर्थ परिमाप कहते हैं, तो 50 50 और 20 बट्टा 2 हो जाएगा, दोनों जगह 50 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 बट्टा 2 काटेंगे, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज का अर्थ परिमाप निकल गया 60 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे छाता में प्रयुक्त एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो हम लोग हीरोन सूत्र से निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला उठा देंगे s - a s - b और s - c, तो नीचे से लिखते हैं सुधा होगी, s इनका अर्थ परिमाप निकला है 60, तो 60 माइनस पहली भुजा 50, 60 माइनस दूसरी भुजा भी 50 और 60 माइनस तीसरी भुजा ये 20 है। ये 60 ये घटेगा तो 10, ये भी घटेगा 17-10 और ये घटेगा 40 होगा, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो 6 का होगा 6 गुने 10, 10 इसलिए कि 10 इसमें भी है इसलिए हम 10 लिए, और ये 10 गुने 10 है ही, और 40 का 4 गुने 10 तो निकलेगा हमको यहाँ पे 1 + 10 एक और ये 1 10, तो 10 गुने 10 और ये 4 को हम रूट से बाहर निकालेंगे 2 होगा, बाकी ये रूट 6 के अंदर रह जाएगा, रूट के अंदर 6 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक त्रिभुजा का हो गया। इस तरह से हमको 10 त्रिभुजा का निकालना है और अलग अलग निकालना है, यानी कि दो कलर के है, तो लिखेंगे छाता में प्रयुक्त पहले रंगों का क्षेत्रफल, तो दो टाइप का है ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लिख सकते हैं कलर यहाँ पे, जो छाता में 10 त्रिभुजाकार है जो 5-5 अलग रंगों में बटा हुआ है, तो छाता में प्रयुक्त पहले रंगों का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 भाग में है तो 5 × 200√6, इसको गुणा करके तोड़ेंगे तो ये 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह लिखेंगे छाता में प्रयुक्त दूसरे रंगों का क्षेत्रफल सेम होगा,
दोनों का उत्तर सेम होगा, पहले का भी और दूसरे का भी। ठीक है, आप यहाँ पे पहले और दूसरे की जगह ये काला और उजला लिख सकते हैं, सफ़ेद या लाल या सफ़ेद, जो इच्छा आपकी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आई होप ये आप सवाल आपको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 के 7वां सवाल के बारे में। सवाल कह रहा है, एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है। इन आकृति 12.17 यानी कि आकृति में फर्स्ट भाग सेकंड और तीसरे से दर्शाया गया है, 1, 2, 3 में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, यानी कि ये ऊपरी भाग क्या है 32 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 32 सेंटीमीटर का यह एक विकर्ण है। और निचला भाग 6, 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो भाग है ये 6, 6 और ये 8 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। चलिए हम लोग इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, पी और क्यू इसको लिख दिए, और जहाँ पे समझाइए इसको लंब लिख दिए, इनकी लंब को 0 लिखे, सॉरी। तो हल करेंगे तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको पहले हम लिख लिए हैं। तो दिया है, क्या दिया है, बी सी बराबर ए डी, दोनों विकर्ण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और ये भुजा क्या होंगे, ए और ए डी, ओ डी, ए ओ बराबर डी ओ बराबर 16 सेंटीमीटर होगा। लंब समद्विभाजित करता है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी अर्थात शेड एक का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समकोण है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, ये त्रिभुज क्षेत्रफल से निकलेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो 1/2 आधार पूरे कितना है 32। यह हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, फिर एक में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकल जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। काटेंगे 16 होगा और 16 को गुना करेंगे तो 256 होगा, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी शेड दूसरे का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 32 गुने 16 काट देंगे, 16 गुना करें फिर 256 सेंटीमीटर। तो ये पहला और दूसरा, अब तीसरा निकालना है या समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे सम द्वि बाहु त्रिभुज डी पी क्यू की भुजाएं ए बराबर 6, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये इस त्रिभुज के लिए है। तो 6 + 6 + 8/2 6 × 8 = 20, 20/2 काटेंगे इसको तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। एस निकल गया 10 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज डी पी क्यू, और ये कितना है शेड 3 का है, तो लिखेंगे शेड 3 का क्षेत्रफल। तो इसका तो मान लीजिए हमको लंबा या ऊंचाई नहीं ज्ञात है, तीनों भुजा ज्ञात है, तो ये हिरोन सूत्र से निकलेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नीचे से लेते हैं, हमको आसानी होगा, 10 10 - 6 पहली भुजा, 10 - 6 दूसरी भुजा, 10 - 8 ये तीसरी भुजा होगा। घटाने का हमको प्राप्त होगा 10 × 4 × 4 × ये घटाएंगे तो 2 होगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 × 5 और 4 × 4 आसानी से बाहर निकल जाएगा, ये होगी। दोनों को गुना करेंगे, अरे सॉरी बाहर निकालेंगे, एक जोड़ाइए और एक जोड़ाइए, एक चढ़ाइए, तो निकलेगा 2 × 4 √5। तो हो जाएगा 4 × 8 √5, और 8 × √5 का मान निकालेंगे, इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर √5 का मान निकालना हो तो उसका होता है 2.24। आगे भी होता है, हम 2 इंक तक लेंगे, तो उसको गुना करेंगे तो 8 × 32, 8 × 2 = 16, 19, 8 × 2 = 16 = 1, 17 दोनों का दशमलव का दशमलव, तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे भाग का निकले, पहले भाग का निकल गया हमको 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का निकल गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे भाग का निकला 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम 18 भी लिख सकते हैं। चलिए आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।